रमशा बीबी, चाय पी लें, आपके सर का दर्द खत्म हो जाएगा और तबीयत भी हल्की हो जाएगी। मैं कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा कि ले जाओ यहाँ से। मामूशान को लेकर आ गए? नहीं, उन्हें सर्दखाने में रखा गया। सर्दखाने में क्यों? वो दरअसल उनके चचाजाद भाई अमेरिका से आ रहे हैं, तो वो कल शाम तक आ जाएंगे, फिर तदफीन होगी। और अगर वो कल शाम तक भी ना आए तो? फिर शायद परसों तदफीन होगी। परसों? मतलब परसों तक मामू जान को सर्दखाने में रखेंगे? कहाँ है अफनान? अफनान से बात करनी होगी। बीबी जी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मामू जान को इतनी अजियत किस तरह दे सकते हैं लोग? अफनान कहे मुझे अफनान से बात। बीबी जी, आप कमरे से बाहर ना निकले, अभी आपकी वजह से बेगम साहब ने बहुत हंगामा किया है, वो मजीद भड़क जाएंगी और अफनान साहब भी आपकी बात नहीं सुनेंगे और गुस्सा करेंगे। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि इस वक्त अफनान कहाँ है? उनसे कुछ लोग मिलने आए, वो ड्राइंग रूम में। रमशा बीबी, वहाँ मत जाना। खुद को अजियत से बचाने के लिए मामू जान को तो अजियत में नहीं डाल सकती ना, उन्होंने मुझ पे बहुत एहसान किए, कुछ तो मुझे भी करने दो उनके लिए। रमशा बीबी। मौलाना साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। डैड को आपसे बहुत मोहब्बत और अकीदत थी। आप आए हैं, उनके लिए दुआ किए, डैड की रूह को बहुत सुकून मिला होगा। बेशक बेशक बेटा, कासिम साहब इंतहाई मोहब्बत वाले इंसान थे। मुझसे क्या सबसे मोहब्बत करते? और कितने मस्जिद के काम अपने जिम्मे ले रखे थे उन्होंने, अल्लाह ताला उनकी तसीर में फरमाए। आमीन। अफनान, मुझे बात करनी है आपसे। मौलाना साहब, आप आइए आइए। मौलाना साहब, आप आइए। अफनान, आप मामू जान को सर्दखाने में क्यों रखवा रहे हैं? वो भी एक रिश्तेदार की खातिर आप उनको अजियत दे रहे हैं। तुम्हारा मामला नहीं है, इसमें मत बोलो। जानती हूँ ये मेरा मामला नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि एक मुर्दा जिस्म को दो दिन के लिए सर्दखाने में रखवा कर सिर्फ एक नजर की जियारत का शौक मामू जान को कितनी तकलीफ देगा? आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि अपने सुकून की खातिर आप किसी और को तकलीफ दें? कैसी मोहब्बत है अफनान? जब कोई इंसान मर जाए ना, तो उसे जल्द से जल्द दफना देना चाहिए। इसलिए प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें और मामू जान को सर्दखाने में ना रखें। इससे उनको तकलीफ पहुंचेगी। अफनान बेटा, ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। कासिम साहब के तस्वीर में रिश्तेदार या किसी भी वजूहत के बिना पे ताखिर करना मुनासिब नहीं है।
बेटा मेरा तो मशवरा यही होगा, बच्चे की बात मानो। और तदफीन में जल्दी करो बेटा। यही मुर्दे के हक में बेहतर है और हमें भी सवाब मिलेगा बेटा। ठीक है मुनारा साहब। आप मस्जिद में ऐलान करवा दीजिए कि नमाज़े जनाजा आज असर के वक्त होगी। तुम कैसे अपने बाप के कातिल को इस घर में बर्दाश्त करोगे? मुझे बताओ, इसको निकालो इस घर से। होश में आइए, आप ये सब करके डैड की रूह को भी सुकून नहीं पहुंचा रही, उन्हें तकलीफ दे रही।